সোমবার বাগডোগরা স্টেশনে গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল সাপ্তাহিক ট্রেনের স্টপেজের উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিষ্ট। উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার জি প্রশান্ত কুমার সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংসদ রাজু বিষ্ট জানান, কর নকশালবাড়ি কি জনতা কো আর হাম সবকে লিয়ে খুশি কি বাত হে কি আজ সে জো বাগডোগরা স্টেশন পে গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল ট্রেন রুকেগা, উসকা এক স্টপেজ আপ মে ভি ও ডাউন মে ভি রহেগা। इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री और रेलवे के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूं। साथ ही हमारे विधायक और हमारे जितने भी अन्य लोगों ने इस कार्य को सफलता देने के लिए अपना योगदान दिया और मंत्री जी से बात की, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। मेरा ऐसा मानना है, हर महीने लगातार अपने क्षेत्र को लेकर के, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी को लेकर के सांसद या विधायक की ओर से कोई न कोई घोषणा होती रही है, हर महीने होती है। और जो है मुझे लगता है जो कई साल में नहीं हुआ, पिछले 4-5 साल में लगातार जो है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हो रहा है। मुझे खुशी है, गर्व है कि आज सिर्फ दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 करोड़ से ज़्यादा के लागत के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। इसके लिए जो है हमारी जनता डिजर्व करती है और मुझे खुशी है, हम सब विधायक सांसदों को खुशी है कि ऐसे जनता का सेवा करने का मौका हमको मिल रहा है। और आज एक घोषणा मैं और करना चाहूँगा कि पिछले महीने आपने देखा होगा अमृत योजना के अंतर्गत 1,000 से ज़्यादा स्टेशन की जो है परिकल्पना का कार्यक्रम का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज मुझे रेलवे के अधिकारी ने बताया कि सिलीगुड़ी स्टेशन भी अमृत स्कीम के अंतर्गत उसको अप्रूवल मिल चुका है। सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, जिसपे जो है पिछले दिनों एक बैठने के लिए जगह भी, उसका भी उद्घाटन हुआ है और वो हेरिटेज है। और जो योजना के अंतर्गत जो काम होगा उसके हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए उसमें कार्य होगा। सो ये एक दूसरी घोषणा है। और मेरा ऐसा मानना है, जिस स्थान पे बागडोगरा पे हम खड़े हैं, आने वाले समय में ये पूरा सिलीगुड़ी का केंद्र बिंदु होगा। एयरपोर्ट 3,000 करोड़ की लागत से यहीं बन रही है और कल ही मैं एयरपोर्ट के डायरेक्टर से मिला, टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी है, 2 दिन में उस एयरपोर्ट का टेंडर भी आ जाएगा आप सबके सामने और नवंबर में उसका उद्घाटन भी हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी के हाथ से हो और नवंबर से उसका काम भी शुरू होगा। और हम सब ने भी ये मांग मंत्री जी से रखी है और समय आने पर उसका भी उद्घाटन होगा। इतना ही नहीं, नक्सलबाड़ी में जो कंचन कन्या रुका करता था वो 4 महीने हो गए थे और नवंबर से उसका बुकिंग अभी रोक दिया गया था, लेकिन आज मैंने दोबारा घोषणा किया है वो दोबारा चालू होगा और वो नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा जीवन भर। ठीक है, रंगा पानी का मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, ये योजना ऐसी थी जिसमें 50% पैसा यानी 22 करोड़ रुपये केंद्र सरकार, 22 करोड़ ममता दीदी यानी राज्य सरकार को देना था, ऐसी सहमति बनी थी। लेकिन जब ममता दीदी की देने की बारी आई उन्होंने मना कर दिया। मुझे जनता को दुख हो तकलीफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भ्रष्टाचार ही करना है, मेरे पास 22 करोड़ नहीं है। फिर केंद्र सरकार के पास हम लोग दोबारा गए। अब केंद्र सरकार, केंद्र का भी राज्य का भी जो 50-50% था वो सारा 100% केंद्र सरकार दे रही है। अब 44 करोड़ की जगह 48 करोड़ की लागत से आरओबी का काम शुरू होगा और जल्दी शुरू हो जाए। राज्य सरकार ये भी बोल दे जमीन भी नहीं देंगे तो उसके भी पैसे दे देंगे। आपको पता है ना, बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दे रही थी राज्य सरकार, उसके लिए 25 करोड़ रुपये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। राज्य सरकार अगर ये कहती है कि मुझे जमीन भी नहीं देना है तो उसके लिए हम जो है भारत सरकार से बात करके उसके भी पैसे देंगे। इतना ही नहीं, आज देखो ना, जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो पानी टंकी पे बनना था वो रुका पड़ा हुआ है क्योंकि राज्य सरकार जो है जमीन देती ही नहीं है। अब भारत सरकार एक नया बिल लेकर के आई है, पास भी हो गया लास्ट पार्लियामेंट सेशन में, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो अमेंडमेंट बिल जो है, जिस जेपीसी में मैं स्वयं भी मेंबर था। अब जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर 100 किलोमीटर तक कोई भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का राष्ट्रहित में कोई काम करती है,
डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं उसमें राज्य सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दार्जिलिंग पूरा क्षेत्र 100 किलोमीटर के दायरे में आता है। अब यहाँ केंद्र सरकार कुछ भी करे ममता दीदी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम उनको इंटीमेशन जरूर देंगे, उनके भी सुझाव लेंगे, उनके भी जो है ध्यान में ये सब विषय आते रहेंगे। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा, नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।